एक बार वॉइस चेक करेंगे, दैट इज वॉइस आप सभी को क्लियर है? अभी चेक कीजिए, अभी क्लियर है वॉइस? हेलो, गुड आफ्टरनून तनवीर, इट्स गुड इवनिंग बेसिकली. गुड इवनिंग सुषंता, गुड इवनिंग एवरीवन. चलिए, ऑडिबल है ब्रेकफास्ट, वो लंच आप सभी का हो ही गया होगा, अभी आपका टी टाइम चल रहा होगा, राइट? कोई नहीं, टी टाइम में आप, आपके फिजिक्स की क्लास है तो आपने टी को एंजॉय कीजिएगा और टी के साथ साथ फिजिक्स को एंजॉय कीजिएगा. चलिए स्टार्ट करें क्लास को. कमेंट करिए अगर आप एग्री करते हैं तो क्लास स्टार्ट करते हैं. हाँ, एक बार स्क्रीन का और बताइए, दैट इज स्क्रीन आपको विजिबल है साइंस की? सब चीज ओके है? ठीक है. एक मैंने कहा था कि अभी आप जो इवनिंग वाली क्लास हो उसमें सब चीजों को पढ़ करके आइएगा, तो आप रिवाइज करके आए हैं या टी विद फिजिक्स तो पढ़ करके आए हैं ना, एक बार अपने लेवल पे चीजों को क्लियर करके आए हैं. यदि नहीं है तो उन चीजों को रिवाइज रखिएगा, माइंड में रिपीट करिएगा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, दैट इज योर एंगुलर मोशन या फिर आपका घूर्णन गति, वो कंप्लीटली आपके लीनियर मोशन, या जो मोशन में हमने जितनी भी चीजें पढ़ी थी ना, दैट इज योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, वो सभी की सभी चीजें हमारी अब एंगुलर मोशन में काम आने वाली हैं. तो उन सब चीजों को माइंड में सेट रखिएगा, हाँ, और सभी चीजों को याद रखिएगा. अब स्टार्ट करते हैं क्लास, और पहला टॉपिक आपको दिख रहा होगा एंगुलर मोशन यानी कि घूर्णन गति. अच्छा, यहाँ आपको इमेज में ये दिख रही है, ये इमेजेस, ये मैंने ऐसे डेकोरेशन के लिए नहीं लगाई है, ये लड़की है, इधर भी लड़की है. व्हाट दे आर डू इस डांस को, एक ये जो कर रही है वो बेसिकली एक डांस कर रही है. क्या आप जानते हो इस फॉर्म ऑफ डांस को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे आपके पैरों के ऊपर ना ये इस तरीके से ये सॉक्स टाइप रहती है जो बंधा हुआ रहता है, और इनको एकदम अपने टोज के ऊपर डांस करना होता है. इनके ये जो आगे के टोज रहते हैं, केवल इनके ऊपर इनको मूव करना होता है, डांस करना होता है. इस फॉर्म ऑफ डांस को आप किस नाम से जानते हो, क्या बोला जाता है इसको, कभी आपने सुना हो इसके बारे में, या जो हॉलीवुड्स मूवी होती हैं उनमें काफी इस चीज को दिखाया जाता है. हमारे यहाँ इंडियन डांस में ये नहीं है, हाँ, लेकिन वहां चलती है. इसको बोला जाता है बैलेट. क्या बोला जाता है? बैलेट. मैं आई होप आप समझ तो गए होंगे मैं कौन से डांस की बात कर रही हूँ. बैलेट डांस एक ऐसा डांस होता है जिसमें जो भी पर्सन है वो डांस करता है, म्यूजिक पे वो डांस करेगा. वहां पे ना वो बेसिकली अपने डांस के थ्रू एक स्टोरी को बताते हैं. वहां पे कुछ वर्ड्स का यूज नहीं होता है, किसी भी तरीके के कोई शब्द नहीं होंगे पूरे गाने में और पूरे डांस में, केवल डांस के थ्रू ना डांस कर करके एक पूरी स्टोरी को बता दिया जाएगा. इस टाइप ऑफ डांस फॉर्म को हम बैलेट के नाम से जानते हैं, और ये आपने काफी बार देखा भी होगा, ये टोस पे सॉक्स वगैरह पहने रहते हैं और एकदम टोस के बिहाफ पे डांस करते हैं. अब ये बताने का सेंस क्या था, तो मेन सेंस ये है, देखो इस तरीके से ये लोग अपने टोस पे क्या करते हैं, टर्न करते हैं, यानी कि घूमते हैं, घूमते हैं. जैसे ये लड़की, अगर इसने ऐसे कर रखा है तो ये इस तरीके से घूमेगी, ये लड़की है तो ये इस तरीके से घूमेगी. ये टर्न करना, घूमना, इसी चीज की बात हम करते हैं एंगुलर मोशन के अंदर, यानी घूर्णन गति के अंदर. एंगुलर जो शब्द है इसका मतलब ही हमारे पास होता है एक तरीके से एंगल. एंगुलर का मतलब ही क्या होता है हमारे पास, एंगल. तो बेसिकली हम जहां भी पूरी चीजों को पढ़ेंगे उन सभी में एंगल का आपका इन्वॉल्वमेंट होगा. अभी ये बताओ एंगुलर मोशन समझ आया? एंगुलर मोशन मतलब कोई भी एक ऐसा मोशन हो गया, कोई भी एक ऐसी गति हो गई जिसमें मतलब घूमना पड़ रहा है, घूर्णन करना पड़ रहा है, उसी टाइप के मोशन को हम घूर्णन गति या एंगुलर मोशन कह देंगे. ये चीज क्लियर हुई? यहां से आपको कंफ्यूजन क्रिएट होनी चाहिए, और मुझे ये लग रहा है कि वो कंफ्यूजन आपको क्यों नहीं क्रिएट हो रही है.
जैसे मैंने, अगर मैं पढ़ती तो मुझे यहाँ कंफ्यूजन ही होता, मैम घूम रहे हैं, घूमते तो हम सर्कुलर मोशन में भी हैं, फिर सर्कुलर और एंगुलर में क्या डिफरेंस हुआ, और यदि घूमने ही की ही बात है तो रोटरी के अंदर भी तो हम घूमते हैं, फिर रोटरी और एंगुलर मोशन में क्या डिफरेंस हुआ, घूम तो हम सब जगह ही रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ मान लो घूर्णन गति भी करेगी, घूर्णन गति तो घूर्णन का मतलब वो एक कर्व पाथ को तो बनाएगी, और कर्व पाथ यदि बनेगा तो कर्व पाथ का मतलब तो सर्कुलर मोशन हो गया, या फिर आपका रोटरी मोशन हो गया। फिर एंगुलर मोशन को अलग से डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमने इसको अलग कंसेप्ट बनाया, तो वो चीज समझो। यदि मैं बात करती हूं दैट इज आपके सर्कुलर मोशन की, पहले तो ये बताइए होता क्या है। मैंने पहले ही कहा है अपने पूरे मोशन की चीजों को क्लियर रखना आज की क्लास में, वो ही सब काम आने वाला है। बताइए सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसके बाद सेकंड थिंग बताएंगे आपका रोटरी मोशन क्या होता है, और थर्ड हमारे पास आएगा एंगुलर। सेम चीज के दो नाम तीन नाम तो हो नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी अलग अलग नाम जो है वो हमको प्रोवाइड किए, अलग अलग नाम हमको मिले हैं। अब ये बताइए सर्कुलर हमने पढ़ा है, रोटरी हमने पढ़ा है, एंगुलर की एक बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ ली, होते क्या हैं, ऐसा क्या डिफरेंस है। डिफरेंस मैं बताती हूं, आप केवल इतना बताइए सर्कुलर क्या होता है। हाँ सर्कुलर का मतलब हो गया आपका कि मैम रोटरी तो किसी एक्सिस पर भी पे घूमना होता है, ठीक है, रोटरी का मतलब किसी एक्सिस के सापेक्ष घूमना हो गया, वेरी गुड। सर्कुलर का मतलब किसी कर्व्ड पाथ पर गति करना हो गया। फिर एंगुलर का मतलब क्या हुआ, फिर एंगुलर का मतलब क्या हुआ, एंगुलर का मतलब भी तो घूमना ही हुआ, वही गति ना जो घूम घूम कर हो रही है। जैसे कि यदि मैं इससे पहले ये बैलेट डांस की बात करती हूँ, तो बैलेट का मतलब, बैलेट में एक तरीके से हम देखें तो सर्कुलर मोशन भी हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि लड़की घूम तो रही ही है, और किसी कर्व पे घूमना, एंगल बनाकर घूमना, ठीक है। अब समझिए होता क्या है, सर्कुलर का मतलब तो हो गया हमारे पास सेम, कोई कर्व पाथ बनेगा, है ना, कि कोई भी कर्व पाथ बनेगा, उस कर्व पाथ पे जो गति होगी उसको हम सर्कुलर मोशन कह देंगे। इसके बाद आता है रोटरी, तो किसी भी फिक्स्ड एक्सिस के सापेक्ष यदि वो घूम रहा है, फिक्स्ड एक्सिस के सापेक्ष, जैसे हमारी जो अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, वहीं अर्थ सन के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्यूशन कर रही है। तो अर्थ अपनी एक्सिस पे जो रोटेशन कर रही है ना, उसी को हम बोलेंगे, उसकी उस गति को ही हम बोलेंगे क्या, रोटरी। रोटरी में उसको कन्वर्ट करते हैं, वो रोटेशन कर रही है। एंगुलर का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो आपके पास एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। बात तो यही होगी, होगी तीनों मोशन कर्व पाथ के ऊपर ही, चाहे तीनों में से कोई सी भी हो, लेकिन जब हम बात करते हैं इस एंगुलर को पकड़ते हैं ना, तो इसके हर एक पार्टिकल पे, हर एक पॉइंट पे जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है वो आपको मिलनी होती है, उसकी जो वैल्यू होती है ना वो आपकी एक कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, एक जैसी रहनी चाहिए। यानी कि आप किसी कर्व पाथ के ऊपर गति तो कर रहे हो, ठीक है, इस कर्व पाथ के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ना वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, तो हम इस टाइप के मोशन को क्या देते हैं, एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन को एंगल से भी याद रख सकते हो कि एंगल तो बनेगा ही, लेकिन जो मेन डिफरेंस याद रखोगे वो ये रखोगे, कर्व पाथ, फिक्स्ड एक्सिस, और यहां पे एक कंसिस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हमको देखने को मिलती है। अच्छा बैलेट हमने समझ लिया, ये डांस हमने देख लिया, लड़कियां देख ली, इसके अलावा ये जो है तीनों में हमने डिफरेंस देख लिया। इसके बाद हमारे पास आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपका कोणीय विस्थापन। क्या आया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोणीय विस्थापन। पर उससे पहले मुझे ये बताइए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि आपका विस्थापन क्या होता है। जब तक हमें विस्थापन ही नहीं पता होगा हम क्या ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे ना। दैट इज समथिंग रिलेटेड टू योर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के आगे क्या लगा है, एंगुलर ही तो लगा है, कोणीय ही तो लगा है, लेकिन है तो कुछ विस्थापन से संबंधित ही।
हाँ, किसी भी पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। अच्छा, किसी भी डिस्टेंस को या किसी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। यदि मैं आपको बोलती हूँ, जैसे ये आपके सूर्य देवता है, ठीक है, ये सूरज जी हैं यानी और सन, एंड ये है अर्थ, ठीक है। आप सूर्य और अर्थ जो है उनके बीच की दूरी, ये बीच की दूरी हमको दे रखी है आर। कितनी? आर। इनके बीच की दूरी हो गई हमारे पास आर, यानी कि हमने यही तो बोला विस्थापन का मतलब क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या जो उनके बीच की दूरी है उसको हम क्या बोल रहे हैं, विस्थापन। आप सबसे कम जो इनके बीच की दूरी है, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर ही होगा। यदि मैं सूर्य और पृथ्वी की बात करती हूँ तो उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 1.496 पढ़ी थी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की हम बात करके आए थे, ठीक है, 1.496 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर, यही पढ़ी थी। तो उस केस में जब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को सेम ले सकते हैं, राइट। हाँ, जो 1 AU थी हमारे पास, जिसको हम अप्रोक्सीमेट 1.5 भी मानते हैं, यही थी ना, 11। अच्छा, अब समझो, ये एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट हुआ, या यहाँ पे हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को एक दूसरे के बराबर मानते हैं, हमने बराबर मान लिया। अब मानने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब कोई ना कोई दूरी आई होगी। डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब कोई ना कोई दूरी आई होगी। दूरी तो मेरे पास आ गई कितनी, आर, ये मैंने देख ली, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी हो गई आर, ठीक है। इस दूरी को तो डिस्प्लेसमेंट में हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट मेरे पास बचता है, जब हम बात कर रहे हैं इस एंगुलर की, यानी इस कोणीय की, तो इस कोणीय की जब हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, मैंने क्या बोला था, एंगुलर का मतलब ही क्या होता है, एंगल होता है। एंगुलर का मतलब ही एंगल होता है। और यहां आप देखो, ये सूर्य से पृथ्वी के मध्य, जब ये सूर्य है और यहां ये ऐसे पृथ्वी है, इनके मध्य ये आपको एंगल दिख रहा होगा, जिसको हम थीटा कह सकते हैं, जिसको हम थीटा कह सकते हैं। तो एंगल मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना हो गया थीटा, तो मैं कह सकती हूं कि मेरी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो s इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई r होती है। आती कैसे है, सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट की जगह ही आता है, r तो r की जगह आएगा ही, साथ ही में एंगुलर शब्द यूज हो रहा है, तो एंगुलर का मतलब ही क्या हो जाता है, एंगल हो जाता है। तो इस डिस्प्लेसमेंट में हम एक एंगल और लगा देंगे, जैसे इस r में हमने थीटा लगाया, ये हमारा थीटा मल्टीप्लाई r क्या बन गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन गया, यानी कि आपका कोणीय विस्थापन बन गया। कोणीय विस्थापन को डेफिनेशन से समझते हैं, तो वो आपका कहता है किसी भी वृत्ताकार पथ पर, यानी कि आपके सर्कुलर पथ पर घूमते हुए किसी भी पिंड के लिए जो आपका कोणीय या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, वो आपके जितने भी समय में सदिश के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण है। अगर इंग्लिश में बात करें तो वो एंगल जो बेसिकली आपकी रेडियस वेक्टर के थ्रू सर्किल के सेंटर पे बनाया जाता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डेफिनेशन याद नहीं रखोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, कंसेप्ट समझ लेना, कंसेप्ट ये होता है। अब डेफिनेशन वो किसी भी फॉर्म में चेंज करके दे सकता है, किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पे आता क्या क्या है। वहां पे थीटा आता है, कोण आता है, और साथ में रेडियस आती है। रेडियस मल्टीप्लाई जो हमारा कोण होता है, एंगल होता है, उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह दिया जाता है। अब ये बताइए, रेडियस को तो मैं माप लेती हूं, चलो मीटर में, ठीक है, और थीटा को हम मापते हैं, दैट इज योर रेडियन में। तो ये बताइए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या होगा? अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट की बात करती हूं तो वो क्या होगी, बताइए। यदि इसके मात्रक का मैं मान पूछती हूं तो आपको क्या लगता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान क्या होना चाहिए, किस चीज में हमारे बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना चाहिए है, या फिर आपको मापना चाहिए, किस चीज में हम माप सकते हैं? रेडियन मीटर, रेडियन मीटर ही दिख रहा है आपको। चलिए, यूनिट वाली जो पॉइंट है उसको अभी के लिए स्टॉप करते हैं, क्योंकि इसको अभी आगे और क्लियर करते हुए चलते हैं, ये चीज अभी आपको आगे जाके और क्लियर होती जाएगी।
10 मिनट के लिए इसको स्टॉप करते हैं, इससे आगे वाला पहले पॉइंट समझते हैं, वहां से आप खुद क्लियर कर लोगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, मान लो ये मेरे पास रिमोट है, इस रिमोट को मैंने इस तरीके से अपने हाथ में रख लिया, ठीक है, ये मेरा एक फिक्स्ड पॉइंट, ये ले लो या ये ले लो, ये एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ठीक है, मेरी ये एल्बो पे, आप समझना, ये रिमोट रख लिया, इसको मैंने उठा के यहाँ किया, फिर इसको मैंने नीचे किया, ये उठाया, ठीक है। अब इसके और इसके बीच की दूरी को तो मैं क्या कह दूंगी, आर, ये तो दूरी हो गई आर, पहले ये यहां था, अब ये यहां है, यहां है, और इनके बीच का ये जो एंगल है, पहले यहां था, अब यहां है, इसके बीच का जो एंगल है, इसको क्या कह देंगे, थीटा, इसको कह देंगे थीटा। तो इनके मध्य की जो हम चीज निकालेंगे उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, जो थीटा मल्टीप्लाई आर होगी। इस फॉर्म में भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को निकाला जाता है। अगर इस पोजीशन में मुझे निकालना है तो मैं फाइंड करूंगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आता है एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि कोणीय वेग। अब यहां क्या आया आपके पास, वेग आया। वेग हम पढ़ के आए हैं, क्या होता है वेग, वेलोसिटी तो हमने पढ़ा हुआ है ना, क्या होता है वेलोसिटी, व्हाट इज योर वेलोसिटी, बेसिकली वेलोसिटी क्या होता है बताएं, डिस्प्लेसमेंट से ही संबंधित होता है हमारा वेलोसिटी, विस्थापन से ही संबंधित होता है हमारा वेग। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो हमारी वेलोसिटी होती है, हाँ वेरी गुड, दैट इज वो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यही होती है। तो एंगुलर में क्या चेंज होने वाला है, एंगुलर में केवल इतना चेंज होने वाला है, जिसको हम वी लिखते हैं ना, जब हम सिंपल की बात करते हैं, लीनियर की बात करते हैं, तो हम वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं, और जब हम बात करते हैं इसकी एंगुलर में, तो ये v तो हमारा हो जाता है ओमेगा, v तो चेंज हो गया किसमें, ओमेगा में, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और टाइम की जगह टाइम ही रहेगा। तो इसको हम कह देते हैं हमारा एंगुलर वेलोसिटी। समझ आया आपको, क्या बोला मैंने, दैट इज वेलोसिटी का मतलब, वेग का मतलब विस्थापन बटा समय, और कोणीय वेग का मतलब कोणीय विस्थापन बटा समय। तो ये कोणीय विस्थापन जिस समय की दर से परिवर्तित हो रहा है उसी को हम कह देते हैं उसका आपका कोणीय वेग। अगर इसको एक फॉर्म में और लिखना चाहे तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये देखिए, एंगुलर वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की सर्कुलर मोशन के अंदर होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि किस दर से आपका कोणीय विस्थापन है वो बदला, उसको उसकी कोणीय वेग कह देते हैं। रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली ओमेगा से, मेजर किया जाता है रेडियन पर सेकेंड में, किसमें मेजर किया जाता है, रेडियन पर सेकेंड में, यानी इसकी यूनिट हम लेते हैं रेडियन और इसकी यूनिट हम लेते हैं सेकंड, तो ये क्या हो गया, रेडियन पर सेकंड। और यदि मैं एमएलटी के फॉर्मूले की बात करती हूँ तो मुझे एक चीज बताओ, जब हम यूनिट्स एंड डायमेंशन का चैप्टर पढ़ रहे थे उस टाइम हमने एक चीज पढ़ी थी, हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं या दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, जिनको बाद में डिराइव्ड में चेंज कर दिया गया, लेकिन वो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का क्या कोई विमीय सूत्र होता है, उनका मात्रक होता है, उनकी यूनिट्स होती हैं, वो खुद क्वांटिटीज होती हैं, लेकिन उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, इसलिए इसकी डायमेंशन m0 l0 और t है, समय है, तो t-1 हो जाएगी, m0 l0 t-1, क्योंकि समय की वजह से, रेडियन का कुछ होता ही नहीं है, रेडियन इज बेसिकली फॉर एंगल और एंगल में हम किसी चीज को देखते ही नहीं है। चलिए एंगुलर जब हम बात करते हैं हमारे रेखीय वेग और कोणीय वेग की, यानी कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की, तो उन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, रिलेशन होता है म्यू इज इक्वल टू ओमेगा आर। यहाँ ये जो वी है ना, इसको हम बोल देते हैं बेसिकली लीनियर वेलोसिटी जिसको रेखीय वेग बोलते हैं, ओमेगा आपका एंगुलर हो ही गया और आर आपकी हो जाती है रेडियस। इनके बीच में एक रिलेशन है जिसको हम बेसिकली याद रखते हैं, लीनियर और एंगुलर के बीच v इज इक्वल टू ओमेगा r। नेक्स्ट होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे कोणीय त्वरण बोला जाता है। अभी हमने त्वरण पढ़ा था, त्वरण
त्वरण या एक्सेलरेशन क्या होता है? त्वरण या एक्सेलरेशन क्या होता है? हाँ विक्रम, इसलिए ही मैंने आपको कहा कि पहले हम हमारे दो तीन चीजों को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम उसकी यूनिट पे जाएंगे। अगर वो उसकी यूनिट होती तो मैं आपको तभी बोल लेती ना कि आप उसको रेडियन इनटू मीटर करो, लेकिन वो स्टॉप करने का रीजन ही यही था। बताइए फास्ट। हाँ, एक्सेलरेशन हो जाता है हमारे पास वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसको चेंज कर लीजिए एंगुलर में, मेरे को क्या निकालना है? एंगुलर एक्सेलरेशन को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ अल्फा से। इसमें वेलोसिटी की जगह कौन सी वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी को मैंने कैसे लिखा था? डी ओमेगा बटा टी, ये हो जाता है आपके अल्फा का फॉर्मूला। यूनिट की यदि मैं बात करती हूं तो यूनिट आपके पास क्या आ जाएगी? डी ओमेगा अपॉन टी की यूनिट क्या आ जाएगी? ओमेगा की यूनिट अभी हम देख के आए हैं, दैट इज योर रेडियन पर सेकेंड हमने देखी थी। नीचे एक सेकेंड और है, तो रेडियन पर सेकेंड तो ओमेगा की होती है मल्टीप्लाई सेकेंड, तो ये कितना हो गया? रेडियन अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और जब हम बात करते हैं एमएलटी की, तो एम में कुछ नहीं है, टी एल में कुछ नहीं है, और इसमें माइनस टू है, तो एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू। ये समझ आया? ये हो जाता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर डेफिनेशन की बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन में डिफाइन किया जाता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी की, किस दर से उसका जो कोणीय वेग है वो परिवर्तित हो रहा है। नेक्स्ट पे आइए, ऐसा यूनिट दी हुई है और साथ में उसका एमएलटी का सूत्र दे दिया। अब यहां भी आपको संबंध देखने को मिलता है लीनियर और आपके एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर, जो होता है ए इज इक्वल टू अल्फा आर। ए हो गया आपका लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, और आर तो आपके पास है ही, दैट इज योर रेडियस। ए इज इक्वल टू अल्फा आर। चलिए अब हमने दो तीन, देखो यूनिफॉर्म, हमने सबसे पहले एंगुलर मोशन पढ़ लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ लिया, साथ ही में आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ लिया। अब आता है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति पे जाने से पहले एक चीज बताओ, हमने ये इमेज आपको दिख रही होगी, इस झूले को आप किस नाम से जानते हो? ये झूला आपने देखा होगा, बहुत कॉमन है, ये आपने देखा होगा। और अगर कोई ये बता देना कि ये फोटो कहाँ की है तो और भी बहुत सही हो। ये आपने झूला जो है उसको देखा होगा, हाँ, इसको अगर हम हमारी भाषा में बात करें तो इसको मैरी गो राउंड बोला जाता है, मैरी गो राउंड। इसको बोलते हैं मैरी गो राउंड। हाँ, मुंबई का भी नहीं है और लंदन का भी नहीं है, यूएसए का भी नहीं है। चलो अब इस मैरी गो राउंड की बात क्या कर रहे थे वो सुनो। अब एक चीज बताओ, जब हम यूनिफॉर्म मोशन पढ़ करके आए थे, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब था यदि कोई ऑब्जेक्ट समान समय में समान दूरी को तय कर रहा है तो उसकी एक समान गति हो जाती है, यानी यूनिफॉर्म मोशन हो जाती है। अब यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगेगा, यहाँ आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो समान समय में समान दूरी तय कर रहा है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपका समान समय में समान दूरी तय करता है, लेकिन किसी भी कर्व्ड पाथ के ऊपर, कर्व्ड पाथ के ऊपर, क्या बोला मैंने?
कोई भी ऑब्जेक्ट आपका सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेम टाइम इंटरवल के अंदर, लेकिन किसी भी कर्व्ड पाथ के ऊपर, तो उसको बोल दिया जाता है आपका यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है केवल सर्क्यूलर पाथ के ऊपर हो रहा है, इसलिए उसका नाम यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन हो जाता है। यदि मैं इस यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन की बात करती हूं, तो इसके हर एक पॉइंट पे ना, इसके हर एक पॉइंट पे यदि मैं कोई भी एक टेंजेंट खींचती हूं, तो ये मुझे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वेग का मान देता है, वेलोसिटी या फिर वेग का मान देता है। ये जो आपकी वेलोसिटी होती है ना, ये आपकी चेंज होती रहती है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। क्यों? क्योंकि हर टाइम पे, हर जगह पे हमको अलग अलग डायरेक्शन देखने को मिल रही है। अभी आप इस पॉइंट पे हो, फिर आगे चलोगे दूसरा पॉइंट, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी भी चेंज होती रहती है। ठीक है, समझ आया? डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज हुई। अब जब आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, हर पॉइंट पर चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। स्टार्टिंग से अगर समझते हैं तो हमने बोला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वह मोशन हुआ या वह गति हुई जो समान समय में ऑब्जेक्ट समान दूरी तय कर रहा है, लेकिन बस पाथ कैसा हो गया, कर्व हो गया। अब यदि मैं इसके हर पॉइंट पर यदि एक टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ कर्व्ड पाथ पर, तो वो मुझे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होती है क्योंकि इसकी हर डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। लेकिन वहीं ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी हर पॉइंट पे चेंज होती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही होती है। ये होता है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यदि बात करते हैं डेफिनेशन की, तो कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट जो किसी भी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, एक नियत गति के साथ। एक चीज और समझना, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम अप्लाई करते हैं मैरीगो राउंड के ऊपर जब वो एक स्पीड के साथ चल रहा है। देखो जब हमने स्टार्टिंग में चलाएंगे तो वो धीरे 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 एक बहुत मैक्सिमम अपनी लिमिट पे पहुंचेगा जहां वो बहुत तेज तेज घूम रहा होगा। लेकिन उसने स्टार्ट कहां से किया है, धीरे 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 से स्टार्ट करके तेज पे गया है। उसको रुकना होगा तो तेज से धीरे 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 करके रुकेगा। यानी आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हमारा जो हमको वेलोसिटी मिल रही है, हाँ हम मानते हैं डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द आया कॉन्स्टेंट स्पीड, तो यहाँ तो कॉन्स्टेंट स्पीड मिलेगी नहीं क्योंकि वो स्टार्टिंग में तो तेज होगा, फिर तेज से फिर क्या होगा, धीरे होगा, तो एक चाल तो मिली नहीं, चाल तो वहां पे बदल रही होगी। तो इसको हम मैरी गो राउंड पे एप्लीकेबल करते हैं जब ये केवल तेज वाली स्पीड में चल रहा है। जब ये बहुत तेज वाली स्पीड में चल रहा है ना, तो उस टाइम में मान लो ये 3 राउंड मारता है, 4 मारता है या 5 मारता है, जितने भी राउंड ये बहुत तेज स्पीड में मारता है, उन 5 राउंड में इसकी स्पीड जो है वो सेम होने वाली है। उस स्पीड में उसको हम कॉन्स्टेंट स्पीड कंसिडर करते हैं और उस कॉन्स्टेंट स्पीड के ऊपर ही हम इस यूनिफॉर्म मोशन को बेसिकली अप्लाई करते हैं। कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, उस टाइम में उस ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक यूनिफॉर्म या फिर समान गति करता है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। फर्दर चलते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है उसमें जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की वो हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि उसकी दिशा या डायरेक्शन भी हमारी बदल रही है। इस केस में वो एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करता है, एक समान त्वरित गति से चलता है और साथ ही में उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो भी बदलती है। काइनेटिक एनर्जी बदल रही है क्योंकि हमारी वेलोसिटी बदल रही है। वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म क्यों कर रहा है, इसका मेन रीजन क्या हो गया, स्पीड हो गया। हमने क्या बोला था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्स्टेंट स्पीड करता है, और जब भी कोई चीज कॉन्स्टेंट स्पीड पे चलती है तो इसका मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड पे उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो गति होती है उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ही बोला जाता है। स्पीड कॉन्स्टेंट है, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है वो भी कैसा हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। इतना क्लियर हुआ यूनिफॉर्म आपके सर्कुलर मोशन के बारे में। 3-4 चीजें हैं मेन मेन पॉइंट्स है। एक तो उसमें चेंज किया क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड की वजह से एक्सेलरेशन सेम रहता है, और काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है।
आप चलिए फर्दर आगे चलते हैं तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपका कोई पार्टिकल है, मान लिया वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो भी एक कांस्टेंट स्पीड वी के साथ, ये कांस्टेंट स्पीड वी के साथ किसी भी सर्कल ऑफ रेडियस आर के ऊपर, तो उसके द्वारा जो एक्सेलरेशन होता है ना उस पार्टिकल के द्वारा, वो ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। यहाँ पे याद रखना, इसी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, दैट इज ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, वी जो होता है ना आपका वी, वी स्टैंड फॉर कॉन्स्टेंट स्पीड एंड आर स्टैंड फॉर योर रेडियस। चलिए आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको मिलते हैं कुछ पॉइंट्स। पॉइंट्स पर चलने से पहले एक नोट है कि इस मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा ही रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। देखो इसको आप इसी से समझो, इस वाले पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो मान लो ये है, हर टेंजेंट पे हमको क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी, है ना। अगर मैं इस सर्किल से कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो वेलोसिटी मिल गई, यहाँ से मुझे एक वेलोसिटी मिल गई, इसकी रेडियस ये है तो ये रेडियस के क्या हो गई, परपेंडिकुलर ही तो हो गई। अगर मुझे मैं इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो ये इसके क्या हो गई, परपेंडिकुलर ही तो हो गई। फिर मान लिया मुझे इस पॉइंट पे चाहिए वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये रेडियस के क्या हो गई, परपेंडिकुलर ही तो हो गई। यही चीज वो आपसे बोल रहा है कि आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जितनी भी आपको ये मिल रही है ना रेडियस, ये रेडियस और ये जो आपको वेलोसिटी मिलती है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपके पास आता है एक नई टर्म, दैट इज योर टाइम पीरियड, जिसको बोलते हैं आवर्तकाल। जस्ट सिंपल है, इसी से समझ लो, आवर्तकाल का मतलब हो गया, इसको इरेज कर लेते हैं, आवर्तकाल का या टाइम पीरियड का मतलब हो गया, यदि मैं बोलती हूँ मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, मान लो इसने यहाँ से या यहाँ से स्टार्ट किया, अब ये एक चक्कर घूम करके वापस जब इसी स्थिति पे आ जाएगा ना, ये इसका हो जाएगा टाइम पीरियड, यानी कि आवर्तकाल। मतलब एक चक्कर पूरा करने में उसको जितना भी समय लगता है उस पूरे समय को हम टाइम पीरियड बोल देते हैं। अब मान लो मैं एक यूनिट टाइम को फिक्स कर देती हूँ, मैं यूनिट टाइम को फिक्स कर देती हूँ, जैसे मैंने बोला कि मैं लेती हूँ 10 मिनट, मैंने टाइम को फिक्स कर दिया, 10 मिनट ले लिया। अब 10 मिनट के अंदर ये जितने चक्कर लगा लेगा ना, 10 मिनट के अंदर जितने भी चक्कर लगाता है उन सबको बोला जाता है इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। अगर एक चक्कर के अंदर पूछा जाएगा, एक के अंदर, तो उसको बोला जाएगा उसका टाइम पीरियड, एक चक्कर में लगा समय। और टाइम को यदि आप फिक्स कर दो, उस फिक्स टाइम में आप पूछो ये कितने चक्कर लगा सकता है, उसको बोली जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति। इनके बीच में भी एक रिलेशन होता है, दैट इज आपका जो टाइम पीरियड होता है, जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है उसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं न्यू। अच्छा, जो आपका ये फ्रिक्वेंसी होती है ना, इसकी SI यूनिट जो होती है वो हमारे पास होती है हर्ट्ज। टाइम पीरियड की आपको पता ही है होती है सेकंड, और इसकी होती है हर्ट्ज। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम पर फ्रिक्वेंसी का SI मात्रक दिया गया था। ये आपका जो टाइम पीरियड होता है ये 1/न्यू होता है, न्यू का मतलब हो गया आपकी फ्रिक्वेंसी, और टाइम पीरियड दे ही रखा है। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे आपका न्यू इज इक्वल टू 1/TB लिख सकते हैं, या न्यू टी इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। तीनों में से कोई सा भी रिलेशन है जिसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक रिलेशन होता है आपके कोणीय वेग, आवृत्ति और आपके समय के आवर्तकाल के मध्य, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। थीटा बाई टी का मतलब हो गया ये आपके वेलोसिटी दी है, एंगुलर वेलोसिटी बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, थीटा इज इक्वल टू कितना, 2π अपॉन टी, और पाई और इस टी की, जैसे ये लिखा हुआ है 2π अपॉन टी, यानी कि 1/t, 1/t को मैं क्या लिख सकती हूँ, न्यू, ये लिखा हुआ 1/t इज इक्वल टू न्यू, तो ये आ गया 2π न्यू। चलिए इसके बाद आपके पास आता है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे बोला जाता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कुछ इस प्रकार का, अभिकेंद्रीय जो कहाँ की तरफ लगने वाला है, ये केंद्र है, ठीक है, ये वही हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, जब ये एक कर्व पाथ बना रहा है, कर्व पाथ बनाने के टाइम इसके सेंटर की तरफ जो इस बॉडी के थ्रू बल लगता है उसको हम बोलते हैं दैट इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल का मतलब जो सेंटर की तरफ लग रहा है, जो सेंटर की तरफ लग रहा है।
वो फोर्स जो आपके सेंटर ऑफ सर्किल की तरफ लगता है, जो नेसेसरी होता है किसी भी पार्टी का, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन पे या सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही है तो उसके लिए इस बल का लगना काफी ही आवश्यक होता है। सेंट्रिपिटल फोर्स वहां पे एक्ट कर रहा होगा यदि वो सर्कुलर गति कर रही है। तो होता कहाँ है, अंदर की तरफ होता है, वहीं जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं FC = mu/r। एम मास हो गया आपका, म्यू एक लीनियर वेलोसिटी हो गई और आर आपकी रेडियस हो ही जाती है। इसको आप समझ सकते हो, दैट इज यहां लिखा हुआ है FC = m μ² / r। ठीक है, ये ही लिखा हुआ है। अब ये जो म्यू है ना, म्यू अभी हमने पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के मध्य में संबंध होता है, दोनों के मध्य में μ = क्या होता है, ω r होता है। लीनियर और एंगुलर के बीच में ये रिलेशन होता है, तो इस म्यू की जगह मैं ω r लिख सकती हूँ। तो FC = हो जाता है m, म्यू की जगह होता है, हो जाता है ω r² / 2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m ω² / 2। तो ये वाला जो आपको यहां समझाया गया है कि हाँ, ये वाला जो आपको समझाया गया है ये इसी कंसेप्ट के बिहाफ पे समझाया गया है। यहाँ पे r रह गया है, ये 2 आ गया है, ये r है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाता है m ω² r² / r। r से r कट गया, वो वहां पे मुझसे 2 लिख दिया गया था, तो ये m ω² r हो जाता है। दोनों फॉर्म में आपसे जो चीज है उसको पूछा जा सकता है, या तो FC = mu² / r या FC = m ω² / r। ये जो समझाया गया है वो इसी फॉर्म में समझाया गया है। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है आपके सेंट्रिपिटल फोर्स के उदाहरण। तो उसमें जैसे ये कार है, मान लो ये किसी कर्व पाथ पे घूम रही है, तो इस कार का जो ये अंदर की तरफ बल लग रहा है इसी को हम क्या कह देंगे, सेंट्रिपिटल। ये आपके आया हुआ है SSC CGL के एग्जाम में, द मूविंग कार अराउंड अ कर्व, उसको बोला जाता है सेंट्रिपिटल फोर्स। नेक्स्ट होता है ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर रिवॉल्यूशन करती है, वैसे ही हमारी पृथ्वी के चारों ओर रिवॉल्यूशन करते हैं हमारा मून। तो इस मून का हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो रिवॉल्यूशन होता है, यानी इस मून से अर्थ पे इस तरीके से बल लगेगा, इसको बोल दिया जाएगा सेंट्रिपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रिपिटल फोर्स के हमने अब तक जो है वो 4 उदाहरण देखे, कौन कौन से, वो 3 उदाहरण देखे। एक तो कार वाला, कार से जो अंदर की तरफ बल लग रहा है। एक हमने देखा यदि मान लो कोई लड़की है, वो अपने हाथ में किसी बाल्टी को इस तरीके से, पानी की बाल्टी है, इसको ऐसे घुमा रही है, तो यहाँ पे भी ये जो अंदर की तरफ बल लग रहा है इसको भी हमने सेंट्रिपिटल फोर्स बोला, राइट। ये लड़की घुमा रही है, सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है। और इसके साथ हमने एक और देखा कि जो चंद्रमा से पृथ्वी की तरफ लगता है वो भी सेंट्रिपिटल फोर्स होता है। एक नोट है आपके पास कि जो रेलवे ट्रैक होती है वो अंदर की तरफ थोड़ी सी कर्व होती है, झुकी हुई होती है, उनको बैंक्ड किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था ना बैंकिंग ऑफ रोड्स, ऐसे ही हम अब रेलवे ट्रैक की बात कर रहे हैं। वो जरूरी होता है जिससे सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो ऑब्टेन हो सके फ्रॉम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टू द वेट ऑफ द ट्रेन। समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। ये आपको रेलवे ट्रैक दिख रही है, ये रेलवे ट्रैक, ये दिख रही है, ये कर्व है। ये कर्व होने का रीजन क्या है, इसको ऐसे कर्व क्यों बनाया गया, इसको इस तरीके से सीधे बना देते, ये सीधे नहीं बना करके इसको बेसिकली कर्व क्यों बनाया गया। कभी आपने देखा होगा इस तरीके से कि जो आपकी रेल की पटरियां होती हैं उनको ऐसे घुमावदार बना दिया जाता है कहीं कहीं जगह पे, क्यों बना दिया जाता है, इसका रीजन क्या होता है बेसिकली, या आपने कभी देखा हो। चलिए रीजन तो मैं बता दूंगी, आपने कभी इस तरीके की कोई चीज तो देखी होगी। हाँ, अब देखो यहाँ रीजन क्या होता है, जब ये हमारी जो हमारी रेलवे ट्रैक है ना, रेलवे ट्रैक है, अब जब उसका फोर्स को बहुत अच्छी तरीके से फोर्स को या उसका वेट समझ लो, उसके वेट को जो डिस्ट्रीब्यूट कराना होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट किस फॉर्म में हो सकता है, एक रोड ऐसे कर्व की फॉर्म में ही हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि जिस टाइम वो कर्व बनाता है ना, उस टाइम उसका जो पूरा भार है ना, वो पूरा भार केवल और केवल इस सेंट्रिपिटल फोर्स पे या इस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की तरफ लग रहा होता है,
मतलब केंद्र की तरफ इसका पूरा भार केंद्रित हो रहा होता है, तो ये अपनी जगह से विचलित भी नहीं हो सकती, घूम भी नहीं सकती। ये जिस पॉइंट पे है उसी पॉइंट पे क्या करेगी, घूमेगी, उसी पॉइंट पे क्या हो जाएगी, कर्व हो जाएगी या बैंक हो जाएगी। इसलिए जो रेलवे ट्रैक्स है उनको थोड़ा सा बैंक कर दिया जाता है या फिर कर्व कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल का अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल, वो लग रहा था केंद्र की तरफ, ये उसका अपोजिट है, ये कहां लगेगा, केंद्र से बाहर की तरफ। ठीक है, देखो वो रेडियली आउटवर्ड फोर्स जो अपोजिट होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के, मान दोनों का इक्वल होगा लेकिन अपोजिट होगा। जैसे एक्शन और रिएक्शन फोर्स याद है आपको, क्रिया और प्रतिक्रिया, दोनों का मान तो सेम होता है लेकिन दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या होती है, अलग अलग होती है। अच्छा, इसको ना इमेजिनरी फोर्स या सूडो फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक चीज और याद रखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहा जाता है, सेंटर सीकिंग फोर्स। इसके दो तीन नाम है, कोई सूडो फोर्स पूछ सकता है, इमेजिनरी फोर्स हो जाता है, और सेंटर सीकिंग फोर्स भी यही होता है। ये झूला दिख रहा है आपको, वहां पे हमने मैरी गो राउंड देखा था, यहां हम ये झूला देख रहे हैं। जब ये धीरे धीरे अपनी पोजीशन से स्टार्ट होता है तो ये लोगों को कहां फेंकना स्टार्ट करता है, बाहर की तरफ फेंकना स्टार्ट करता है। और बाहर की तरफ फेंकने का मतलब ही क्या हो गया, यहां पे कौन सा बल लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, केंद्र से बाहर की ओर। चलिए, जैसे आपके पास हो गया क्रीम सेपरेटर, या फिर आपके सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर, आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, कपड़े धोने की जो मशीन होती है उसमें कपड़े डालना, वो पानी को जब घूमते हुए देखना, वो कहाँ फेंकती है पानी को, बाहर की तरफ फेंक रही होती है ना, ऐसे बाहर की तरफ फेंक रही होती है, उसमें कपड़े तो घुल रहे होते हैं और पानी बाहर की तरफ जा रहा होता है, उसी को हम बोलते हैं दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपका वॉश बेसिन है, अच्छा ये बताओ वॉश बेसिन, वॉश बेसिन में जब हम पानी खोलते हैं, टैप को ओपन करते हैं वॉश बेसिन के अंदर, तो उस टाइम पे कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल। वॉश बेसिन में नल को खोल दो, टैप ओपन कर दिया, अब उस टाइम में वो वॉश बेसिन में मान लो पानी भर रहा है, तो वो कहाँ लग रहा है, पूरा का पूरा पानी केंद्र की तरफ, और केंद्र की तरफ लगता है इसका मतलब कौन सा हो गया, वो सेंट्रीपिटल। चलो एक लास्ट पॉइंट बचता है आपके पास, जिसको बोला जाता है टॉर्क, यानी कि आघूर्ण। बहुत इजी चीज है, बहुत इजी चीज है, डेली लाइफ में इसका आप यूज भी करते हो, बताओ कहाँ करते हो। टॉर्क का मैं मतलब समझा देती हूँ फिर आपको बताती हूँ डेली लाइफ में यूज। टॉर्क का मतलब ये सिंपल भाषा में बोल रहा है कि आपका एक तरीके, टॉर्क आपका एक तरीके का ऐसा फोर्स है जो किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के सापेक्ष ना किसी भी चीज को घुमा देता है। क्या बोला इसने, टॉर्क या आघूर्ण आपके इस प्रकार का बल है जो किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के सापेक्ष आपकी किसी भी चीज को घुमा देता है, इसी को टॉर्क कह दिया जाता है। इसको मेजर किया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के आधार पर। एक्स टॉर्क जो होता है उसको ग्रीक लेटर टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका फॉर्मूला होता है। अब अपन समझते हैं बोल क्या रहा है। जस्ट नॉर्मल मैंने बात की, जैसे ये है ना, ये जैसे मान लिया जैकेट है, ठीक है, इस जैकेट के ये इसकी आर्म है, ये आर्म है, इस आर्म को ये घुमा देना ही ना, इस तरीके से इस आर्म को घुमा देना, ये क्या हो गया, इस पे टॉर्क लगाना हो गया, ये क्या लग गया, इस पे टॉर्क लग गया। बस इस घुमाव को ही हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, इस घुमाव ने को ही हम क्या कहते थे, टॉर्क कहते। ये ऐसे पकड़ा, जैसे आपका भी कोई तौलिए का कपड़ा ले लो, उस तौलिए को कपड़े को लेके ऐसे घुमा दो, वो ऐसे घूम जाएगा ना, उसकी शेप ही चेंज हो जाएगी, ये आपने उस पर क्या लगा दिया, टॉर्क लगा दिया, इसी को जस्ट नॉर्मल टॉर्क आ जाता है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो देखो, यहां से ये मान लिया हम एक इमेज ली, क्या किया हमने, ये एक स्क्रू ड्राइवर लिया है हमने, है ना, इसको पाना बोलते हैं शायद हिंदी में। तो हमने क्या किया, यहाँ से मान लो बल लगाना स्टार्ट किया। अब जब आप यहाँ से बल लगाओगे ना, तो ये यहाँ से घूमेगा, यहाँ से आप बल लगाओ, ये यहाँ से घूमेगा, ये इस स्क्रू और इस बल जहाँ पे आपने बल लगाया, इसके बीच की दूरी कितनी है, डी है, इसके बीच की दूरी डी है, इस टॉर्क को टी, तो ये टी बराबर हो जाता है लगाया गया बल गुना में दूरी। इस टी को रिप्रेजेंट करते हैं टाऊ से, F का F, D का D हो जाता है। अच्छा, फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है, D का मात्रक मीटर होता है, तो ये हो जाता है आपका न्यूटन इंटू मीटर। और होता क्या है, टॉर्क, टॉर्क इज नथिंग जस्ट लाइक ट्विस्ट करना, टर्न करना ही आपका हो जाता है टॉर्क। ये हमने स्क्रू पाने के थ्रू देखा भी,
फोर्स मल्टीप्लाई में ये जो डिस्टेंस है इसको बोल दिया जाता है आपके पास टॉर्क। ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। अच्छा, न्यूटन इंटू मीटर आपके कार्य की भी यूनिट होती है, कार्य नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी जिसको थोड़ा बहुत पता है तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स की यूनिट भी न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की भी क्या हो जाती है मीटर, इसलिए इसकी भी न्यूटन इंटू मीटर आती है और वर्क की भी न्यूटन इंटू मीटर और टॉर्क की भी न्यूटन इंटू मीटर हो जाती है। यहाँ आपको लिखा हुआ है यदि आपको किसी दरवाजे को आसानी से खोलना है ना तो उसका जो आपका हैंडल होता है उसको आपको हिंज से, यानी कि यदि मान लो गेट के यहाँ पे हिंज लगाए हैं, उसके हिंदी में बोलते हैं उसके कब्जे लगाए हैं, है ना, ये गेट के कब्जे या हिंज किया है इसको, तो इस हिंज से जो आपका हैंडल है ना उसकी जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम उस गेट को खोलने में आसानी रखते हैं। यदि मान लो ये यहाँ से हिंज है और यहीं मैं हैंडल लगा दूँ तो ये मैं इतनी आसानी से नहीं खोल पाऊँगी, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वहीं दूर लगेगा तो मैं इसको आसानी से खोल पाऊंगी। यहां मैं ना आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछना चाह रही थी कि टॉर्क जो होता है ना, टॉर्क वो होता है एफ इंटू में डी। अब मुझे ये बताओ, हम कह रहे हैं कि हमको जो ये हैंडल है उसको दूर से दूर लगाना चाहिए, हमने हैंडल को दूर लगाया, यहां कब्जे लगाए, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने आर मान ली। अब हमने यदि इस आर को बढ़ा दिया, यानी हमने इस डिस्टेंस को बढ़ा दिया, तो डिस्टेंस बढ़ाने से तो हमारा टॉर्क भी बढ़ गया, टॉर्क बढ़ा तो हमारा फोर्स भी बढ़ गया, फिर मुझे ये बताओ इससे हमको फायदा क्या हुआ, इस हैंडल को इतना दूर लगाने से हमको फायदा क्या हुआ, हमको तो इस पे बहुत अधिक टॉर्क लगाना पड़ेगा, ज्यादा टॉर्क लगा के इसको खोलना पड़ेगा, इससे हमको बेनिफिट तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर हमने इसको दूर क्यों लगाया, ये सोचो सोचो इस क्वेश्चन का आंसर सोचो। चलो सोचना और अब जरा कुछ क्वेश्चन के आंसर कर दो। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी आपके जो कोणीय विस्थापन है वो किस प्रकार की राशि है, सदिश, अदिश, द्विदिश या द्वितीय सदिश, किस प्रकार की राशि आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो हो जाती है, बताइए। That is, हमारे पास फर्स्ट का क्या हो जाता है, ए, दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट पे आइए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन का मात्रक, मीटर, रेडियम, ये रेडियम नहीं है रेडियन है, मीटर रेडियन या सेंटीमीटर डिग्री, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे ही अटक रहे थे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो मात्रक होता है ना, जब हम बात कर रहे थे एस इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ पे हमारे पास आ रहा था मीटर, मीटर इंटू रेडियन, इसको एक्चुअली जो इसकी ऐसा ही मात्रक होता है वो रेडियन ही होता है। अब ये सोचो कि हमने कंसेप्ट तो ये पढ़ा है, फिर रेडियन कैसे बताया जा रहा है। चलिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, आपके कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, आपके कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, कोणीय वेग का, हाँ दैट इज वेग का रेडियन पर सेकंड होता है। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन समय, इस क्वेश्चन मार्क की जगह डिस्प्लेसमेंट आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्टेंस आएगा या लेंथ आएगा, आपके क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या निशान है, जो क्या यूनिट है जो बेसिकली आनी चाहिए, हाँ प्रशंसा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। What type of quantity is angular acceleration? कोणीय त्वरण किस प्रकार की राशि है, अदिश, सदिश, द्विसदिश या निम्न में से कोई नहीं, आपके angular displacement किस angular acceleration किस प्रकार की राशि है, हाँ that is हो गई हमारी vector, यानी कि सदिश। Next, what is the unit of angular acceleration? कोणीय त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, या कोणीय त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बताइए।
ये हो जाता है सिक्स्थ का सी, दैट इज योर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने के लिए आवेशक नियत बल को डैश कहा जाता है। द कॉन्स्टेंट फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड ए सेंट्रिपिटल, बी ग्रेविटेशनल, सी मैकेनिकल फोर्स, डी बी मैकेनिकल फोर्स ही कर दिया। बताइए, दैट इज हमें क्या चाहिए होता है? सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, निम्न में से कौन सा गलत है? अब केंद्रीय बल केंद्र के बाहर की ओर लगने वाला बल है, दही से मक्खन को अलग करने वाला अपकेंद्रीय बल का सिद्धांत है, दूध में से क्रीम को अलग करना अपकेंद्रीय बल का सिद्धांत है, या फिर अपकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगने वाला बल है। अपकेंद्रीय बल हम निम्न में से किसको बोल सकते हैं, या निम्न में से हम ये कहेंगे अपकेंद्रीय बल के लिए कौन सी एक स्टेटमेंट है जो गलत है? हाँ, दैट इज अपकेंद्रीय बल जो है वो केंद्र की तरफ नहीं लगता, केंद्र से बाहर की तरफ लगता है। नेक्स्ट, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यदि वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, बदल रही है, तो उसकी जो डायरेक्शन है या उस पॉइंट पे जो स्पीड है वो क्या होगी? एक समान वृत्तीय गति में वस्तु का वेग अपनी दिशा में लगातार बदल रहा है, तो उस बिंदु की गति लगातार क्या हो रही होगी? इक्वल, सेम, विल इंक्रीज या डिक्रीज? वो क्या पूछ रहा है? हाँ, देन द स्पीड ऑफ दैट पॉइंट इज, स्पीड हमारे पास कैसी रहती है? सेम रहती है, सेम रहती है, या उसको आप कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क? आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू सेकेंड, जूल या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? आपके आघूर्ण का यानी कि आपके टॉर्क का यूनिट क्या होती है? हाँ, दैट इज योर न्यूटन इंटू मीटर, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू में डी, तो टाउ इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर हो गया। चलिए आगे आगे चलते हैं, उससे पहले आ गया अपने पास न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक पे को समझते हैं पहले, फिर अगर आगे फर्दर चलेंगे। देखो, हम बार बार मोमेंटम या संवेग की बात कर रहे हैं। संवेग क्या होता है? संवेग बराबर हमारा मास गुना में वेलोसिटी होता है। अच्छा, मैंने कहा था जब भी हमारे पास एंगुलर आ जाता है तो इस संवेग को हम रेखीय संवेग या लीनियर मोमेंटम बोल देते हैं, लीनियर मोमेंटम बोल देते हैं। जैसे आपको दिख रहा है ये व्यक्ति है, इसके थ्रू जो मोमेंटम हो रहा है ना उसको तो हम लीनियर मोमेंटम बोलेंगे, और वहीं ये लड़की है जो अपने एक पैर पर घूम रही है ना, तो इसके थ्रू ये जो मोमेंटम हो रहा है इसको हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। इमेज से समझ सकते हैं, जो सीधे हो रहा है इसको बोल दिया लीनियर, और जहां घुमावदार हो रहा है, घूम घूम के हो रहा है, वो आपका हो गया है दैट इज योर एंगुलर मोमेंटम। एक मिनट हर्षित, देख लेते हैं। एट्थ में सभी रॉन्ग नहीं है, आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। देखो, अगर मैं बात करती हूं मिल्क क्रीम की तो उसमें सेंट्रिफ्यूगल फोर्स ही लगता है, बटर को सेपरेट करना है तो भी सेंट्रिफ्यूगल ही लगता है, और सेंट्रिपिटल फोर्स जो होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स वो आपके आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर होता है। यहां पर आप जरूर कंफ्यूज हो सकते हो, दैट इज एक तो सेंट्रिपिटल फोर्स आउटवर्ड होता है और यहाँ लिखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपके टूवर्ड्स द सेंटर होता है। कंफ्यूज यदि आप होते तो ए और डी में होने चाहिए थे, बाकी बी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हाँ, कंफ्यूज जो हो रहे थे आपको, मतलब ए या डी में ही होना चाहिए था, और बाकी जो डी है वो तो आपके टोटली रॉन्ग है, और वो भी आउटवर्ड, आउटवर्ड नहीं इनवर्ड में उसको हम बेसिकली देखते हैं। हाँ, अभी हम आते हैं कम बैक ऑन द पॉइंट, दैट इज लीनियर मोमेंटम यानी जो एकदम सीधे हो रहा है, और एंगुलर मोमेंटम घूम घूम के हो रहा है। लीनियर मोमेंटम तो हमने पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू एम वी होता है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है तो समझो, एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है आपका लीनियर मोमेंटम और साथ ही में कोई भी एक प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाती है। यदि मैं इसको एल से रिप्रेजेंट करती हूँ
पी से मेरा हो जाता है मोमेंटम, और इसमें यदि मैं किसी भी आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर का मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास आ जाता है आपका एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग। कोणीय संवेग में आपके पास एक चीज और लिखी हुई है, इफ टॉर्क ऑफ एन बॉडी इज जीरो देन एंगुलर मोमेंटम इज जीरो। आपको ये कुछ जानी पहचानी सी नहीं लग रहा? अगर इसकी जगह मैं ये बोलूं, यदि किसी बॉडी के ऊपर सारे जो फोर्स हैं वो जीरो हो जाते हैं तो वहां पर मोमेंटम भी कैसा हो जाता है? जीरो यानी कि शून्य हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर, वहां पे फोर्स चलता है, यहाँ पे हमारे पास टॉर्क आ जाता है। तो ये हमारा सिद्धांत होता है किसका? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसका मतलब ही यही होता है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। देखो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का मतलब है, जैसे इससे समझो, ये एक गेम है, ये गेम आपने खेला होगा, बीच में यहाँ पे ये फिक्स्ड रहता है, इधर बैठते हैं इधर वाला ऊपर होता है, फिर इधर वाला नीचे होता है, इधर वाला ऊपर होता है। क्या बोलते हैं इस गेम को? इसका कुछ नेम होता है। देखो एट्थ के जो ए और डी ऑप्शन है उसमें कन्फ्यूज़न थी हर्षित, जो मैंने आपको बता भी दी है, वहाँ आपको कन्फ्यूज होना चाहिए था एक्चुअली में। अभी ये बताइए कि इस गेम को किसी नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोला जाता है? What is this game known as? खेला है प्रशंसा, इसको बोलते हैं सीसा, सीसो, सीसो बोलते हैं एक्चुअली, सीसो, सी शॉप नहीं, सीसो। हाँ, अब सीसो में क्या होता है देखो समझो, मुझे एक चीज बताओ, जब भी हमको यहाँ पे ना बैलेंस्ड बैलेंस चाहिए कि मेरे पास बैलेंस बना रहे, एक संतुलन बना रहे, तो संतुलन या बैलेंस कब बन सकता है? जब यहां से लगने वाला फोर्स और यहां से लगने वाला फोर्स एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो, तभी मैं कह सकती हूं कि इस सीसो में हम बैलेंस बना सकते हैं। ये लाइन एक दूसरे के बराबर तभी आ सकती है जब दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स क्या हो, बराबर हो। इसी को बोला जाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर यानी होगा आपका रोटेशन ही, उसके अंदर आपका एल्जेब्रिक सम सभी मूवमेंट्स का या सभी बलों का जो किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रहा है वो कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जब आपकी कोई बॉडी है, मान लो रोटेशनल की बात हो रही है, रोटेशनल कोई बॉडी है उसमें बहुत ही सारे आपके फोर्स लग रहे हैं, तो इन सभी फोर्सेस को यदि जोड़ा जाए या इनका सम किया जाए तो उन सब का जो सम है वो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, जीरो प्राप्त होना चाहिए। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक को यदि हम क्लॉकवाइज लेते हैं, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, तो ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये समझ आ रहा है? ये समझ लो, एक तरीके से ये समझ सकते हो, इस तरीके से समझ सकते हो, या ये नहीं आए तो ये समझ सकते हो कि बैलेंस बनाने के लिए ना, इनको जीरो करने के लिए बेसिकली हमारे सारे फोर्सेस को इक्वल होना जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मतलब है, जैसे आज मेरी मान लो बॉडी है, तो मेरी बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं ना, यदि आज आपकी बॉडी है या किसी की भी बॉडी है, उनकी बॉडी पे जितने भी कार्य करने वाले बल है ना, वो सारे के सारे बल सेंटर ऑफ मास के ऊपर कार्य करते हैं। किसके ऊपर? द्रव्यमान केंद्र के ऊपर कार्य करते हैं। चाहे तो आप रेस्ट में हो, चाहे आप मोशन में हो, किसी भी स्थिति में हो, आपकी बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्स हैं वो सारे के सारे सेंटर ऑफ मास पर एक्ट करते हैं। होता क्या है, जस्ट नॉर्मल आपकी बॉडी का जो मास है ना, उसी को ही हम सेंटर ऑफ मास की फॉर्म में याद रखते हैं, यानी आपके द्रव्यमान या निकाय का जो आपका द्रव्यमान होता है उसी को हम द्रव्यमान केंद्र के रूप में या सेंटर ऑफ मास के रूप में कंसिडर करते हैं। बॉडी के मास को सेंटर ऑफ मास रिलेटेड टू मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिलेटेड टू ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास में मास आ गया था, ग्रेविटी आई है, तो ग्रेविटी में किसका रोल आ जाता है? वेट का। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे बॉडी का पूरा वेट रखा हुआ हो, जैसे मान लो मुझे इसको उठाना है, तो इसको उठाने के लिए इसकी बॉडी में कहीं मैं इसको उठा कर पाऊंगी, जब इधर और इधर दोनों तरफ इक्वल फोर्स हो जाए, बीच में से मैं कहीं से इसको इस तरीके से उठा सकती हूँ, इसका मतलब इसकी सीजी कहाँ है, यहीं बीच में है,
इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है, इसी पॉइंट पे कहीं बीच में एक्ट कर रही है। होता क्या है, वो पॉइंट जहाँ पे पूरी बॉडी का जो वेट है ना, पूरी बॉडी का जो वेट है वो जिस पॉइंट पे एक्ट करता है ना, उसको बोल देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क इस बॉडी के ऊपर जीरो होता है, क्योंकि सारा जो है वो सारा का सारा केवल एक ही पॉइंट के ऊपर कार्य कर रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है स्प्रिंटर की, स्प्रिंटर का मतलब होता है किसी भी खिलाड़ी की। जब हम किसी खिलाड़ी की बात करते हैं और जिस टाइम वो रेस में दौड़ रहा है, तो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके पैरों के आगे जो है वो उसको बेसिकली कंसिडर की जाती है। इसके अलावा यदि मैं बोलती हूँ मैंने एक दो बाल्टी पानी लिया, दोनों एक इस हाथ में एक बाल्टी पानी, इस हाथ में एक बाल्टी पानी, अब दोनों से मैं चल रही हूँ, तब तो सही है, सही चीजें एक्ट हो रही है, सेंटर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सही तरीके से बैलेंस हो रखा है। लेकिन यदि मैं कहूँ कि मैंने एक ही बाल्टी को अच्छे से फुल भर लिया और अब मैं चल रही हूँ, तो मेरी बॉडी थोड़ी सी बेंट हो जाएगी, थोड़ी सी झुक जाएगी। तो यहाँ पे भी हमारे सीजी का या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फर्क पड़ता है। ऐसे ही यदि कोई भी आपका वाहन है वो गिर जाता है, तो अगर वो गुरुत्व केंद्र के या हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें, तो उसके आउटसाइड द बेस जा करके गिरता है, अगर गिर रहा है तो। रोटेशनल मोशन की भी कुछ समीकरण होती है, गति की कुछ समीकरण थी जो हमने पढ़ी थी, दैट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही थी। सेकेंड थी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड आपके पास थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। केवल इनको याद रखो, इनसे ये याद हो जाएंगी, वी वी का मतलब ओमेगा, यू यू का मतलब ओमेगा नॉट, एक्सेलरेशन को यहाँ क्या बोल रहे हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, टी का टी, एस एस यानी डिस्टेंस जिसको हम यहाँ बोल रहे हैं थीटा, यू यू को यू का अभी हमने पढ़ा ओमेगा नॉट, टी का टी, एक्सेलरेशन को यहां बोला अल्फा, इसलिए हो गया हाफ अल्फा टी स्क्वायर, वी स्क्वायर का वापस वही ओमेगा स्क्वायर, यू स्क्वायर का वापस ओमेगा नॉट स्क्वायर, टू ए एस, एस को बोल दिया थीटा, ए को बोल दिया अल्फा, ये अल्फा है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा बुक में भी, ये टू अल्फा थीटा है। चलिए एक और आता है हमारे पास, आपने एक वर्ड पढ़ा था जिसको इनर्शिया या जड़त्व बोला जाता है, ठीक है, मेरी बॉडी जितनी हैवी है, जितना अधिक मेरा मास है उतना ही अधिक क्या होता है, इनर्शिया होता है। इनर्शिया का मतलब अपनी गति का विरोध करना, यदि मैं स्थिर हूँ तो मैं स्थिर ही रहना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं गति करूँ, मैं गति में हूँ तो मैं गति ही करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं स्थिर में हूँ, तो अपनी गति का या उस बल का बेसिकली विरोध करना ही इनर्शिया हो जाता है। अब इस इनर्शिया के लिए ही एक फिजिकल क्वांटिटी या एक क्वांटिटी को यूज किया जाता है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन में यदि मुझे इस इनर्शिया को मापना है या मापन करना है, तो मैं उसे रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से जान लेती हूँ, हिंदी में बोल देते हैं आघूर्ण या घूर्णन जड़त्व के नाम से जान लिया जाता है, जड़त्व आघूर्ण या फिर घूर्णन जड़त्व के नाम से जान लेते हैं। क्या बोला मैंने, जो इनर्शिया है ना, मेजर उस इनर्शिया को ही करना है, लेकिन बस बॉडी कैसी है, रोटेशनल है, कैसी है, रोटेशनल है, रोटेशनल में इनर्शिया आ गया तो वो रोटेशनल इनर्शिया हो गया। डिपेंड किस किस पे करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, आपके मास पर, और साथ ही में किस तरीके से मास आपका वितरित हो रहा है उसके ऊपर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी बॉडी का, कभी भी एंगुलर वेलोसिटी या ओमेगा पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर तीन ही चीजों पर करता है जो हमने पढ़ ली है, अक्ष पर, द्रव्यमान पर, और द्रव्यमान किस तरीके से पूरी बॉडी में वितरित है उस पर। अब इसके अलावा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आए, उन किसी पे भी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया या आई निर्भर नहीं करता। स्पोक्स जो होते हैं, बाइसिकल होती है ना, जो आपके साइकिल होती है उसमें देखे होंगे ना आपने, ऐसे तार लगे रहते हैं, बहुत अधिक तार को हम बेसिकली उसके अंदर नहीं लगा सकते, यदि बहुत अधिक तार लगा दिए जाएंगे तो उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी बहुत अधिक घुमा हम यहाँ पे वही इनर्शिया रहे हैं। जस्ट समझ लीजिए, हमने क्या कहा, यहाँ इनर्शिया को समझिए, रोटेशनल की बात हो रही है इसलिए एमओआई आ गया, इनर्शिया का मतलब गति का विरोध करेगा, जितना अधिक इनर्शिया उतना अधिक मास, द्रव्यमान ज्यादा होगा इनर्शिया ज्यादा होगा, इस इनर्शिया को रोटेशनल फॉर्म में मेजर कर रहे हैं एमओआई से। यदि मान लो बहुत अधिक द्रव्यमान होगा तो उसको चलाओगे कैसे, उससे आपका भार भी तो बढ़ रहा है ना साइकिल का, लेकिन हमें तो ऐसा चाहिए कि वो आसानी से चले, इसलिए हम इन स्पोक्स को ज्यादा नहीं लगाते हैं। काइनेटिक एनर्जी होता है आपका हाफ
एम वी स्क्वायर, और इस वी को हम ओमेगा नॉट लिख रहे हैं, और यू को याद रखना ओमेगा नॉट लिख रहे हैं। होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी को गति में ला रही है, मोशन में ला रही है, उसको काइनेटिक एनर्जी कह दिया। यहाँ काइनेटिक एनर्जी कोई भी बॉडी रोटेशन कर रही है उस टाइम में, रोटेशन करते टाइम मोशन की वजह से जो गति हो रही है, बस रोटेशन हो रहा है, उसको कह दिया उसकी गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। लास्ट आता है आपके पास जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है किसी भी बॉडी का या पिंड का किसी भी अक्ष या एक्सिस के सापेक्ष, हमेशा उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी से, यानी उसके एक्सिस से, यदि कंप्लीट मास उसका एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है तो। जो बॉडी होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ही बराबर होता है। यदि डिस्टेंस की बात की जाए तो के इज इक्वल टू अंडर रूट आर वन आर टू प्लस डॉट 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 आर एन स्क्वायर अपॉन एन करके निकाल लिया जाता है। आपके सिर्फ तीन कंसेप्ट हैं, अब तीन कंसेप्ट के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अभी मैं बताती हूँ इसमें पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है, एक बार थ्री पॉइंट्स को समझ लेते हैं। थ्री पॉइंट्स ये बोल रहा है, एक खुली कार या स्थिर गति से चलती ट्रेन में बैठा एक लड़का यदि एक गेंद को सीधे हवा में फेंकता है, उस स्थिति में गेंद उनके हाथों में आकर गिरती है, ऐसा क्यों? पहले तो ये बताओ उसने उस बॉल को फेंका, फेंकने का मतलब उसने किस टाइप की मोशन की। जैसे ही उस व्यक्ति ने हवा में गेंद को फेंका तो उस बॉल के थ्रू किस तरीके की मोशन की गई, इस मोशन या गति को क्या बोला जाएगा, बताइए। इस मोशन या गति को बेसिकली क्या बोला जाएगा? हाँ, इसको हम बोलते हैं प्रक्षेप्य गति, यानी कि आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। आप समझना, ये बोल क्या रहा है, ये जो लाइन है ये आपको समझा क्या रही है। ये लाइन आपको समझा रही है, आप किसी भी चीज को मान लो हवा में फेंकते हो, आपने हवा में फेंकी, उसने प्रोजेक्टाइल मोशन करी, वो चल रही है, उसने ओपन ट्रेन मूविंग की बात की है, मूविंग का मतलब चल रही है। मैंने चीज को यहां फेंका, चल रही है, चल रही है मतलब वो कुछ आगे जाके ही गिरेगी, अगर यहां से फेंका तो कहीं आगे जाके ही गिरेगी। जस्ट बिकॉज मेरी कार चल रही है तो कार भी तो चल के यहाँ पहुंच जाएगी, तो इसका मतलब मेरे हाथ भी तो उसी पोजिशन में आगे पहुंच गए, मूविंग की बात हो रही है। किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करके आगे की तरफ गिरती है, और जस्ट बिकॉज हमारी ट्रेन या कार मूविंग में है तो वो भी तो बढ़ करके आगे जाएगी। इसलिए जब भी आप चलती हुई ट्रेन या कार से किसी चीज को आगे की तरफ फेंकोगे, आप मूविंग में हो, वो आगे आकर के आपके ही हाथ में क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, ये इन्होंने बोला है। नेक्स्ट आपके पास आता है, जब मान लो आप पानी की एक बाल्टी को एक ऊर्ध्वाधर चक्र में घुमाते हो, जैसे वो लड़की का एग्जांपल याद है जो हमने अभी देखा था सेंट्रीपिटल फोर्स में, जैसे एक लड़की है उसने मान लो एक बाल्टी में पानी भर लिया अच्छे से, फिर उसने ऐसे ऐसे घुमाना स्टार्ट किया। अब उस बाल्टी में से ना पानी अंदर की तरफ नहीं गिरेगा, या उस बाल्टी में से पानी नहीं फैलेगा। क्यों नहीं फैलेगा? क्योंकि उस बाल्टी का पूरा वेट है ना, उस बाल्टी का पूरा वेट या भार है, वो सारा का सारा जो है ना वो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की तरफ लग रहा है, उस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की तरफ लग रहा है कि हम किस तरीके से हमारी जो वो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है या वो जो गति हो रही है ना उसको मेंटेन करके रख सके, अंदर की तरफ लग रहा है ना। सेंट्रिपिटल का मतलब क्या, अंदर की तरफ लग रहा है, तो वो बाल्टी का पूरा पानी है ना, वो पूरा का पूरा पानी ये देखने में लग रहा है या इस चीज में लग रहा है कि जो पूरी चीज है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट की जाए, उसका पूरा वेट केवल सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पे फोकस कर रहा है, इसलिए वो पानी बाहर की तरफ नहीं फैलेगा। जैसे हमने ट्रेन की बात की थी, ट्रेन जो होती है उसको कर्व जाना होता है, क्योंकि अब वो कर्व पे क्यों मुड़ जाती है, क्योंकि उसका जो पूरा का पूरा भार है या वेट है वो केवल सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पे फोकस कर रहा होता है, उसको वो उस पर डायरेक्टली क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है, इसलिए वो इधर उधर क्या नहीं होगा, डाइवर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है, जब भी आप किसी भी हिल या पहाड़ी पे चढ़ते हो तो जो ड्राइवर होता है व्हील का, उसका गियर रेशो जो होता है वो एक या एक से ज़्यादा रखा जाता है। गियर रेशो होता है आपका इनपुट पे एंगुलर वेलोसिटी अपॉन आउटपुट पे एंगुलर वेलोसिटी। हमने लीनियर और रोटेशनल की बात की थी, दोनों में डिफरेंस होता है। लीनियर की बात करते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चलता है, एंगुलर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगल चलता है ना। डिस्टेंस के लिए एंगल आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है।
लीनियर वेलोसिटी चलती है डीएस बाई डी टी, यहाँ पे आपकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है डी थीटा बाई डी टी। लीनियर वेलोसिटी चलती है यहाँ एंगुलर हो जाती है डी, इसको डायरेक्ट याद रख लो डी वी बाई डी टी, और यहाँ हो जाती है डी ओमेगा बाय डी टी। यहाँ चलता है मास, यहाँ चलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास का मतलब किसी ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मास होती है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा था कि वो अपने इनर्शिया का जो बेसिकली मेजरमेंट है रोटेशनल मोशन के अंदर, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोमेंटम चलता है लीनियर के अंदर, एंगुलर मोमेंटम चलता है आपका एंगुलर मोशन के अंदर। ये तो हो गया सिंपल लीनियर मोशन के अंदर, ये हो गया आपका रोटेशनल मोशन के अंदर। यहाँ चलता है फोर्स लीनियर में, यहाँ चलता है टॉर्क। F इज इक्वल टू एम ए, वहाँ टॉ इज इक्वल टू आई ए। यहाँ पे फोर्स को हम डी पी बाई डी टी भी लिख सकते हैं, ये एक फॉर्मूला और याद रखना, डी पी बाई डी टी भी लिखा जा सकता है, और यहाँ पे हम उसको डी एल बाई डी टी लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, जिसको पी स्क्वायर अपॉन टू एम भी लिखा जा सकता है, ये आज ही हमने देखा था। वही काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर अपॉन टू आई भी हो जाता है। वर्क डन चलता है W इज इक्वल टू एफ एस, यहाँ वर्क डन चलता है W इज इक्वल टू टॉर्क थीटा। एफ के लिए टॉर्क आता है, डिस्टेंस के लिए थीटा आता है, इतना ही था। डिस्प्लेसमेंट के लिए सॉरी, पावर P इज इक्वल टू एफ वी होता है, यहाँ पावर P इज इक्वल टू टाउ W होता है। एक और चीज आती है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जहां पे किसी बॉडी के ऊपर जब बहुत सारे बलों को लगाया जाता है तो उस टाइम पे उस पूरी बॉडी का जो मोमेंटम है वो हमको जीरो प्राप्त होता है। यहाँ पे भी वही है, जब किसी बॉडी पे बहुत सारे एक्सटर्नल टॉर्क या आघूर्ण लगाए जाते हैं तो बॉडी का जो मोमेंटम है वो हमको कांस्टेंट प्राप्त होता है, ये एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। इक्वेशंस देखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओमेगा टू, यहाँ ओमेगा टू लिख दिया, बाकी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी से भी याद रख सकते हो। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओमेगा वन टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड आता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस, यहाँ हो जाता है ओमेगा टू का स्क्वायर माइनस ओमेगा वन का स्क्वायर इज इक्वल टू टू अल्फा थीटा नॉट। और लास्ट होता है एस सेकेंड में, डिस्टेंस ट्रेवल यदि एंथ सेकेंड में किया जाता है तो एस एंथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, और यहाँ पे यू किस में चेंज हो रहा है ओमेगा वन में, ए किस में चेंज हो गया अल्फा में, बाकी सब कुछ सेम का सेम है। तो केवल मोशन वाले याद रख लो, चीजें क्लियर हो जाएगी। इसी के साथ चैप्टर नंबर सेकंड जो है वो आपका कंप्लीट होता है, आपका जो चैप्टर सेकंड है वो अब कंप्लीट होता है। पढ़ना क्या क्या है तो देखो, एंगुलर वाला जो हमारा पूरा कंसेप्ट होता है, हाँ बहुत पढ़ा दिया आज तो, बहुत ही पढ़ लिया तुमने। चैप्टर टू जो है एंगुलर मोमेंटम, उस एंगुलर मोशन की जो हम बात करते हैं उनमें याद करने लायक ऐसी कोई चीज़ है नहीं। यदि आपको यूनिफॉर्म, यदि आपको नॉर्मल लीनियर मोशन की चीज़ें याद है ना तो आपको रोटेशनल मोशन याद हो जाएगा। केवल एक बार समझना है, वो समझ हमने लिया ही, तो सिर्फ इस टेबल को एक बार देख लेना रिविज़न के लिए, इसलिए ये लास्ट में लगाई गई है जिससे सारे फॉर्मूले और जितनी चीज़ें पढ़ी है वो आपको यहाँ पर मिल जाए। एक आपका बस सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इसमें रह गया है। कुछ क्वेश्चंस हैं उनको बता दीजिए। गतिमान वस्तु के कोणीय संवेग का सूत्र क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एल इज इक्वल टू आर प्लस पी, एल इज इक्वल टू आर माइनस पी, एल इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई पी, एल इज इक्वल टू आर बाय पी। यहां पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम यानी आपके कोणीय संवेग का सूत्र, बताइए। हाँ दैट इज हमारे पास हो जाता है फर्स्ट का सी। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटीज एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग किस प्रकार की राशि है, स्केलर वेक्टर भौतिकी या फिर इमेजिनरी, किस टाइप की राशि है आपके एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आपके किस प्रकार की राशि है, दैट इज वेक्टर। थर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स मोमेंटम इज गुरुत्वीय बल आघूर्ण डैश होता है, जीरो वन टू या थ्री। ग्रेविटेशनल फोर्स मोमेंटम डैश होता है जीरो वन टू या थ्री, दैट इज कितना, जीरो। चलिए
इफ द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इंक्रीज देन द वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स, यदि पृथ्वी के घूमने का चाल बढ़ा दी जाती है तो पिंड का भार भी डैश हो जाता है। यदि अर्थ की स्पीड को बढ़ा दिया गया तो बताओ उसके वेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफ वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगी घटेगी कुछ नहीं होगी या क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी बताओ। क्या होगा, स्टेबल स्टेबल कैसे हो सकता है? यदि हम चाल को बढ़ा देते हैं, स्पीड ऑफ रोटेशन को बढ़ा देते हैं, इसका होगा हमारा घटेगी। हाँ, और लास्ट क्वेश्चन, यदि एक हाथ में केवल एक बाल्टी पानी की ले जाने की तुलना में दोनों हाथ में एक एक पानी की बाल्टी ले जाना आसान होता है, क्यों? सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल की वजह से, मैकेनिकल फोर्स की वजह से, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से? किसकी वजह से आसान होता है? दैट इज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से। इसी के साथ चैप्टर सेकंड फिनिश होता है। आपके यदि कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो। बाकी जितने मुझे आप लोगों के क्वेश्चन याद थे उन सब की स्लाइड मैंने लगा ली है, जो रह गए थे, जिनके आंसर मुझे करने थे, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछ रखा था कि इस स्टैटिक में और इस रेस्ट में अंतर क्या होता है। तो स्टैटिक तो यार क्या हो गया ना, देखो रेस्ट तो एक तरह की अवस्था हो गई, एक स्टेट हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गई, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स एक तरीके की ब्रांच हो गई या शाखा हो गई। तो मैं ये कह सकती हूँ इस स्टैटिक के अंदर मैं जिस, इस स्टैटिक ब्रांच के अंदर मैं जिस अवस्था की बात करती हूँ वो रेस्ट है। तो ये रेस्ट और स्टैटिक में डिफरेंस होता है। रेस्ट इज जस्ट लाइक योर स्टेट एंड स्टैटिक्स इज लाइक योर ब्रांच। नेक्स्ट है, एक मैंने पूछा था आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें एक्सेलरेशन माइट बी एक्सेलरेटेड लिखा हुआ है, जबकि यहां हमने पढ़ा था कि जो एक्सेलरेशन होता है यदि उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। यहां हमने जीरो पढ़ा था, यहां हमने माइट बी एक्सेलरेटेड पढ़ा था। क्यों? क्योंकि यहां बात की गई थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, आपके वृत्ताकार गति की यहाँ पे बेसिकली हमारे पास बात की गई थी। इसीलिए जो अभी हम पढ़ के आए हैं ना कि स्पीड वहां पे कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन भी वहां पे हमको कांस्टेंट सा मिल जाता है, तो वो माइट भी एक्सेलरेटेड हो सकता है। नेक्स्ट आपका था, ये एक क्वेश्चन था जो बचा हुआ था, ये शायद एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा था बट अभी वो पता नहीं क्लास में नहीं है। ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इन्होंने पूछा था उस पिंड के द्वारा उत्पन्न त्वरण कितना होगा जिसका द्रव्यमान 10 किलो व बल 20 न्यूटन होता है। देखो बल आपको दे ही रखा है 20 न्यूटन और मास आपको दे ही रखा है 10 किलोग्राम, तो ये बताइए इस पर लगने वाला एक्सेलरेशन कितना होगा, ए आपसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, ए आपसे पूछ रहा है एफ बाई एम हो जाएगा, 20/10 हो गया, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, यही होगा, शिट 20/10 हो गया, तो ये कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अब ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन और है, दैट इज 3 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर बल लगने के कारण 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड 5 सेकंड में त्वरित हो जाता है तो बल का परिणाम क्या होगा। न्यूटन के आपके जो अलग अलग तरीके की इक्वेशंस हैं उनका यूज होने वाला है। सबसे पहले ए इज इक्वल टू वी माइनस यू टी लगाएंगे। देखो फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 20, इनिशियल दे रखी है 10, फाइनल इनिशियल दे रखी है, इसका मतलब सबसे पहले निकालेंगे एक्सेलरेशन, किससे निकाल रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी याद रख लो, या फिर एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी होता है क्या, v माइनस यू अपॉन ए टी, इससे निकाल लिया एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकलते ही कौन आ गया मेरे पास, फोर्स आ गया 3 मल्टीप्लाई 2 6 करके, और यही जो है वो आपसे पूछा गया था।
कि मैग्नीट्यूड बताना है आपको फोर्स का कितना होगा। हाँ, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। इसमें यह था कि एक विशेष प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाइयों को क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 सेकंड के रूप में चुना गया है, तो इस प्रणाली में बल का नया मात्रक क्या होगा? समझना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। एक किलोग्राम में नया वो हमसे मात्रक पूछ रहा है, एक सेंटीमीटर उसने मुझे दिया है, एक ग्राम उसने मुझे दिया है और एक सेकंड दिया है। अब नई प्रणाली में मात्रक पूछ रहा है। एक किलोग्राम में 10^3 ग्राम होते हैं, एक मीटर में 10^2 सेंटीमीटर होते हैं, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, एक किलो में 1000 ग्राम होते हैं। टाइम 0.1 सेकंड है, नॉर्मल रहने दो। एक न्यूटन का मतलब क्या होता है? एक किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है एक का मतलब, एक न्यूटन का मतलब। अब देखो, एक न्यूटन तो ये आ गया, बल के लिए ही वो हमसे पूछ रहा है ना, फोर्स के लिए। एक न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। किलोग्राम को हमने यहां देखा ही है, नई प्रणाली में पूछ रहा है तो ग्राम की फॉर्म में लिखना है। किलोग्राम को हमने लिख दिया 10^3 ग्राम, मीटर में आए 10^2 सेंटीमीटर, ये लिखा 10^2 सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, जिसका आ गया 0.1 × 0.1, इतना ही आपको दे रखा था। जस्ट न्यू प्रणाली आ गई, यही आपकी न्यू प्रणाली है। जब इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो 10 आ जाएगा, 10 × में न्यू यूनिट ऑफ फोर्स लगा दोगे, 0.1 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये पूरा जो सॉल्व करोगे ना, ये सॉल्व करते ही आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसके साथ आपके फिजिक्स में जितने भी चीज़ें थी वो मेरी तरफ से कंप्लीट होती हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यदि रह गए हो, जो आपको पूछने हो, वो अब आप अपनी तरफ से पूछ सकते हो। जितने क्वेश्चंस मुझे याद थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर लगा दिए थे। जो रह गए हैं वो आप बता सकते हो, वो अपन पूछ सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन ये और था, इसमें आपको टाइम दिया हुआ है, साथ ही में इसका मास दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट जो है वो इससे इस वेलोसिटी पे चेंज हो रहा है, यानी यू और वी दिया हुआ है। अब आगे जब फोर्स है उसका ड्यूरेशन 5 सेकंड और बढ़ा दिया जाता है और इस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो 17.5 हो जाती है, तो आपसे अप्लाइड फोर्स है उसका मान पूछ रहा है। सेम यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस लगेंगी, इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पे एक्ट करने वाली हैं। मास दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। करना क्या है, सबसे पहले एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। ए की वैल्यू किससे आती है, वी माइनस यू बाई टी से आती है। ये वैल्यू आई, इन वैल्यू में इनके मान को पुट कर दिया, यहाँ से कौन आ गया, एफ आ गया। ये तो पहले केस में एफ निकल गया, दूसरे में और निकालना है, सेम फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला में जस्ट वैल्यूज पुट की और कौन आ गया, 25 न्यूटन हमारे पास सॉल्व करने पे आंसर आ गया। इस टाइप के न्यूमेरिकल वैसे देखने को काफ़ी ही कम मिलते हैं, वैसे आरआरबी एनटीपीसी में आया है, लेकिन देखो 10 क्वेश्चन अगर आरआरबी एनटीपीसी में 25 क्वेश्चन रहते हैं, आप 25 में से मान के चलो 10 से 12 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, तो 10 से 12 भी ऐसा नहीं है एक ही शिफ्ट है, एक ही शिफ्ट नहीं है, पता नहीं कितनी शिफ्टों में पेपर हो रहे हैं, तो उन सभी शिफ्टों में से एक शिफ्ट में इस टाइप का एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है। एक तो अच्छे लेवल का पूछेंगे ना, बाकी तो बेसिक्स ही रहते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन वैसे बहुत ही रेयर चांस है कि आपसे पूछा जाए, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी फास्ट कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत होती है, हो सकती है, लेकिन इस लेवल की फिर थिंकिंग रखना और फिर चीज़ों को सॉल्व करना, तो दैट्स वाई वो इस टाइप के क्वेश्चन वैसे मिनिमम ही है, चांस कम ही है कि वो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे। ज़्यादातर आपके एसएससी के या रेलवे के अंदर थ्योरी के क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल दिए जा रहे हैं। लास्ट सीजीएल में भी न्यूमेरिकल आया था, आई इज इक्वल टू QT करके, ऐसा ही कुछ न्यूमेरिकल था जिसके पीछे यही कंसेप्ट था, या वी इज इक्वल टू IR का था शायद, इस कंसेप्ट का एक न्यूमेरिकल आया था, लेकिन बेसिक न्यूमेरिकल था जहाँ पे आपको केवल आई की वैल्यू पुट करनी है, आर की करनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो वी का मान निकल गया। इस टाइप के न्यूमेरिकल तो आ सकते हैं, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा लॉजिक लग जाता है वो अब नहीं आते हैं, बट फिर भी एक बार हमें पढ़ना था तो हमने एक बार रिवाइज के तौर पे उन चीज़ों को देख लिया। बाकी और अच्छे से यदि आपको करना है तो आपके पास गॉडफादर है, गॉडफादर से एक बार बहुत अच्छे से चीज़ों को कर लेना,
और फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है तो फिर मैं तो हूँ, फिर भी यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है या कुछ चीज़ रह गई है तो क्लास में पूछ सकते हो। बस ये बता देना, या तो उसका पेज नंबर बता देना इस पेज नंबर पे, या फिर उस क्वेश्चन को यहाँ पे टाइप कर देना कि ये क्वेश्चन है, उसको अपन क्लास में सॉल्व कर लेंगे। यूट्यूब दैब चलिए इसके साथ क्लास को फ्री करते हैं फिर। यदि आपके पास कुछ क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू फिजिक्स तो उसको आप, आहा फोन का कैमरा वाला रह गया। अरे फोन के जो कैमरा होता है उसमें सेंसर्स लगे होते हैं, समझो फोन है, फोन की शेप मेरे पास हुई रेक्टेंगल, फोन का जो ये कैमरा है ये मेरे पास हुआ सर्कल, और जो मेरे पास इमेज आई वो आई या तो स्क्वायर आती है या रेक्टेंगल आती है, कुछ भी आ सकती है। आप समझना, जब मुझे ऐसे फोटो क्लिक करनी है ना, फोटो क्लिक करनी है, तो फोटो क्लिक करते टाइम यदि इस सर्किल शेप की जगह मैं यदि एक स्क्वायर शेप लेती हूँ, तो मेरे जब ये मतलब टेक्नोलॉजी जिस टाइम बन रही थी, जो लोग साइंटिस्ट इसको बनाने वाले थे उन्होंने ये नोटिस किया, या हम बोल सकते हैं फोटोग्राफर्स ने ये नोटिस किया कि जो कैमरा होता है ना जब वो सर्कल में होता है ना, सर्कल यदि शेप में होता है तो वो सारी चीजों को अच्छे से कवर कर लेता है, जो दूर का वाइड एंगल है ना वो हमको मिल जाता है एक सर्कल शेप में। वहीं जब हम स्क्वायर शेप की बात करते हैं ना तो हमारी पिक्चर की जो क्वालिटी है वो भी डाउन होती है, और हमको पिक्चर भी इतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। इसलिए इसकी शेप तो सर्कल रखी जाती है, लेकिन इस सर्कल के अंदर जो सेंसर्स लगे होते हैं ना, वो सेंसर्स हमको कैसे होते हैं, हमारे पास रेक्टेंगल होते हैं। इसलिए जो हमारी इमेज आती है ना वो इमेज तो रेक्टेंगल आती है, बिकॉज इसके अंदर के जो सेंसर्स हैं वो तो रेक्टेंगल है, बस ये आउटर पे दिखने पर सर्किल है जिससे कि आपका पूरे एंगल को अच्छे से कवर कर दिया जाए, ये इसके बिहाइंड रीजन होता है। इसलिए फोन का छह फोन की रेक्टेंगल होती है, उसका कैमरा सर्किल होता है जिससे अच्छी सी चीजों को कवर कर दे, लेकिन उसके अंदर के सेंसर रेक्टेंगल होते हैं, इसलिए फोटो कैसी आती है, रेक्टेंगल। फोटो सर्किल में अगर दे ना हम, अगर मान लो सेंसर सर्किल में हो, सर्किल में फोटो दे, तो आपके जो साइड के जो ये जो सेंसर्स की हम बात कर रहे हैं, या ये जो हमारे फोन की बात कर रहे हैं, फोन के शेप ही पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और गोल फोन रखने में इतना ज्यादा सही नहीं होता है, आपने कभी गोल फोन देखा है, फोन को कभी गोल नहीं रखा जाता, फोन की हम मोस्टली शेप यही मिलती है, इसी फॉर्म में होता है, रेक्टेंगल फॉर्म में ही रखा जाता है क्योंकि वो रखने में कन्वीनियंट होता है। चलिए इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, वरना ओके का कमेंट कर सकते हैं। मंडे से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर। अब सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं जो जल्दी जल्दी कंप्लीट होते जाएंगे, एक फिफ्थ चैप्टर है जो थोड़ा सा लेंदी है, बाकी सारे आप शॉर्ट शॉर्ट चैप्टर है, आप फटाफट आपका कोर्स कंप्लीट भी होता जाएगा, कोर्स भी कंप्लीट होता जाएगा। अब आपके ऊपर बर्डन थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि अब आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़्यादा याद रखनी है, अब जल्दी जल्दी चीज़ें कंप्लीट होती जाएंगी। जितना टाइम लगना था वो सेकेंड चैप्टर में लग गया। बताइए इसके अलावा यदि कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हो, और यदि नहीं है तो एक ओके का कमेंट कर सकते हो। ओके प्रशंसा, चलिए फिर क्लास को लीव करते हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके ओके हर्षित, ओके देवदत्त।